आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा शिंकू लापास किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, परमाणु हथियार विश्व में सबसे ज्यादा रूस के पास है, भारत परमाणु हथियार में कौन से नंबर पर है? ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी सातवां या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सातवां। आपका तीसरा प्रश्न है, मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है ए कॉपर, बी जिंक, सी आयरन या डी लेड। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉपर। आपका चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कौन से राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब या डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। पांचवा प्रश्न है, भारत में मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है, बताइए दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका छठा प्रश्न है, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन सी थी जो बंबई एवं पुणे के मध्य चली थी? ऑप्शन है ए समझौता एक्सप्रेस, बी मैत्री एक्सप्रेस, सी फेरी क्वीन या डी डेक्कन क्वीन। सही जवाब है ऑप्शन डी डेक्कन क्वीन। आपका सातवां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी नागपुर, सी कोलकाता या डी गुवाहाटी। सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता। आपका आठवां प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी सिक्किम या डी पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। नौवां प्रश्न है, गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, यह परियोजना कौन से राज्य के लिए थी? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पंजाब या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आपका दसवां और आखिरी प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत।